तो ये है स्लैब सिटी, अमेरिका का लास्ट फ्री प्लेस, नो लॉ सिटी। यहाँ के जो रूल्स होते हैं ना लोग खुद बनाते हैं। यहाँ की जो जमीन है ना उस पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा कैलिफोर्निया में स्लैब सिटी। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं हूँ वेगेस में और ये देख लो यार, ये है रियो और ये पूरा पीछे वेगेस का नजारा है। और हम लोग यहाँ से ड्राइव करके दोबारा जा रहे हैं कैलिफोर्निया की तरफ। हमें है ना वहाँ पे एक अबेंडेंट टाउन दिखा है, जो कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग अबेंडेंट टाउन में रुकेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे स्लैब सिटी, जिसकी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अभी देख लो वेगेस से हम लोगों ने ना मुश्किल से 5 मिनट की ड्राइव की है और पूरा ओपन एरिया आ गया है, खाली, सब जगह पे माउंटेन है। और वेगेस रह गया भैया पीछे की तरफ में, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे थी, जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं जो आपको मूवीज में दिखाते हैं ना, वो नवाडा का मतलब लगा लो 0.1% भी एरिया नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं एक ट्रक स्टॉप पे और यहाँ पे ना डीजल काफी सस्ता था, $4.44। तो जैसे ही हम लोग अभी ना कैलिफोर्निया में एंटर होंगे ना, तो यही $5.5-6 तक मिलेगा। हम लोगों ने $60 का भराया था जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो एक जगह से। तो अब हमें यहाँ से ड्राइव करनी है 3 घंटे 17 मिनट और 3 घंटे 17 मिनट तक है ना इसी तरीके का नजारा रहेगा। एक आधी छोटी मोटी सी सिटी आएगी बीच में, जब आएगी तो वो दिखाता हूँ। अभी ये जो टाउन आया था ना, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा रुक गए और डीजल लेने के लिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल कैलिफोर्निया के बॉर्डर के पास में पहुंच चुके हैं, तो वहां से हम लोग डीजल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। अभी हम लोग जिस टाउन में रुके ना, इसका नाम है सर्च लाइट और यहाँ पे सिर्फ 350 के करीब यहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ पे देखो ये गैस स्टेशन की बिल्डिंग ही कैसी है, पेट्रोल पंप की बिल्डिंग है ये, बड़ी अजीब सी इन्होंने बनाई हुई है, काफी कूल लग रही है। आउट इन्होंने रोड बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देख लो स्पीड है 75 miles hour, तो 75 है ना, आप लोग लगा लो आराम से 120-125 की स्पीड पे आप आराम से चला सकते हो। तो अभी हम लोग जा तो इधर रहे थे, बट हमें ना यहाँ पे कुछ दिख गया, वहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कोई प्लेन खड़ा हुआ है उधर। तो हम लोगों ने यहाँ से यू टर्न ले लिया है और अब हम लोग इधर जाके देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्लेन खड़ा हुआ है यहाँ पे बिल्कुल रेगिस्तान जैसे एरिया के बीचों बीच में। भाई थोड़ा धीरे चलाओ, रोड बहुत ज्यादा खराब है। तो अब ये बिल्कुल कच्चे रोड पे हमें आना पड़ा है देखने के लिए, बट भाई यहाँ पे ऐसे कैसे किसने प्लेन खड़ा कर दिया यार, मेरे को तो लग रहा है कोई मिलिट्री बेस है या कुछ है ये। वही कोई टेंट भी लगे हुए हैं उसके साथ में। मेरे को तो लग रहा है किसी का प्राइवेट है ये, हम गलत आ गए। हाँ मिलिट्री का एयरक्राफ्ट है, वो ठीक कर रहे हैं इसको, ये रनवे है इनका। नहीं चलो मोड़ लो यार। भाई वहाँ जितने लोग खड़े थे ना हमें देखने लग गए, पूरे रेगिस्तान के बीचों बीच में है ना कहाँ पे खड़े हुए हैं। तो एक्चुअली उन्होंने ना वहाँ पे रनवे बनाया हुआ है और पूरा मिलिट्री का एरिया था, हम लोग ऐसे ही घुस गए यहाँ पे। अभी हम लोग आ गए हैं वहाँ से, देखो मिसाइल फायर हो गई हमारे पीछे, बताओ। भाई को डर लग गया कि मिलिट्री बेस में घुस गए आज तो असली में। तो यहाँ पे देख लो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था इन्होंने, हमें पता भी नहीं था वहाँ पे ऐसा कुछ है पूरे रोड पे, हम तो चले गए देखने। अमेरिका वालों ने ना कहीं पे भी इसी तरीके से मिलिट्री बेस बना रखे हैं और कहीं मैप में भी आप लोगों को दिखेगा नहीं। आप लोगों ने इससे पहले एरिया 51 की जो वीडियो देखी थी ना, वहाँ पे भी यूएसए एयरफोर्स वालों का मिलिट्री बेस है जो कि बिल्कुल मैप में नहीं है। मेरे को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके के जंगल में इन्होंने यहाँ से प्लेन भी उड़ाते हैं यार, मतलब दूर दूर तक कोई चीज ही नहीं है यहाँ पे, कर क्या रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। पे एक दूसरा एरिया है जहाँ पे ना ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पर, और अरे ये यहाँ पे क्या है ये, अरे जूते, लोगों ने जूते फेंके हुए हैं यहाँ पे, रोक के दिखाते हैं आपको। मिडल ऑफ नो वेयर, तो देख लो दूर दूर तक है ना कुछ नहीं है। यहाँ से एक ट्रेन की पटरी जा रही है, एक कोई मालगाड़ी है जो रुकी हुई है, ये तो मेरे को फ्यूल टैंक दिख रहे हैं। और यहाँ पर मेरे को लग रहा है पहले ना पेट्रोल पंप होता था और वहाँ पे वो गैस स्टेशन लग रहा है मेरे को। और ये यहाँ पे लोगों ने भैया अपने जूते उतार के फेंक के चले जाते हैं। अभी पीछे भी है, वहाँ पे भी जाके दिखाएंगे, पूरी उन्होंने एक पूरी यार्ड बनाई हुई है जो दिखी थी मेरे को। तो ये देख लो कितने जूते यहाँ पे लटके हुए हैं यार, पूरा अजीब सा एरिया लग रहा है ये। तो देख लो यार मेरे पीछे, ये अमेरिका में इस तरीके से लोग है ना बहुत सारी वियर्ड चीजें करते हैं। एक तो है ना जैसे होता नहीं है कॉइन वगैरह होता है पानी में फेंक के विश मांगते हैं, वो भी बहुत जगह पे है। यहाँ पे भी किसी ने, एक दो बंदों ने जूते फेंके होंगे
तो लोगों ने फेंकने चालू कर दिए। अब देख लो कितने सारे यहाँ पे जूते हैंग कर रहे हैं। पहले का यहाँ पे गैस स्टेशन होता था वो तो फिलहाल बंद हो गया। इसी तरीके से ना कैलिफोर्निया में बहुत सारी जगहें हैं जिनको गोस्ट टाउन भी बोला जाता है, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। बट ये यहाँ पे तो इस रोड पे सिर्फ ये मेरे को दिख रहा है कि गैस स्टेशन ही होता था और कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये देखो भाई यहाँ पे लोगों ने मास्क फेंक रखे हैं इसके ऊपर, हर तरीके के मास्क ही मास्क हैं देख लो। तो लोगों ने भी अलग अलग तरीके की रिवाज निकाल रखे हैं, कहीं मास्क फेंक रखे हैं, कहीं जूते फेंक रखे हैं। और एक और है वहाँ पे यार्ड भाई, इतने जूते हैं वहाँ पे, यहीं से जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो गाड़ी जा रही है ना, ये सारे जूते ही जूते हैं। लोगों के भी अलग अलग शौक हैं। ये थी वो जो के अंदर यहाँ पे स्टोर होता था पूरा। अगर आप लोग कनाडा में रहते हैं और अपने घर पे पैसे भेजते हैं, जैसे इंडिया में आप लोग पैसे भेजते हैं, तो आप लोग यूज कर सकते हैं पे पैनी। और पे पैनी है ना, जो इसका जो ट्रांजेक्शन फीस है ना, ये है जीरो। और इनकी जो कस्टमर सपोर्ट है ना, वो है 24/7। तो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम होती है पैसे भेजने के लिए तो कस्टमर सपोर्ट आपके साथ हमेशा है। और है ना पे पैनी है ना, आप अपने दोस्तों को किसी को भी रेफर कर सकते हैं और आप अर्न कर सकते हैं। और इसके साथ में जो इनका एक्सचेंज रेट है ना, सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट है। आप कोई भी गूगल पे सर्च करके एक्सचेंज रेट देखते हो ना, तो इनका सबसे बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलेगा। अगर आप लोग मान लो कि अगर आप लोग का आज का जो है ना एक्सचेंज रेट आ रहा है 60 आ रहा है, अगर आप लोग कैनेडियन डॉलर भेज रहे हो ना, तो पे पैनी के थ्रू 61 मिलेगा। आप लोगों को हमेशा प्रॉफिट होगा पे पैनी के थ्रू। इनका जो कन्वर्जन रेट है ना, नो डाउट यार बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग कभी भी अपने घर वालों को पैसे वगैरह भेजना चाहते हैं ना, तो आप पे पैनी यूज कर सकते हैं। पे पैनी यूज करना बहुत ही ईजी है, मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, वहां से आप क्लिक करके और इनकी ऐप डाउनलोड करके इजिली आप पे पैनी को यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं उस टाउन में, तो यहाँ से वो टाउन चालू होता है। यहाँ पे 400 घर हैं जो कि बिल्कुल अबेंडेंट है, तो इन्होंने फोर सेल पे लिखा हुआ है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया को आप लोग खरीद सकते हो। तो इन्होंने लिखा हुआ है नो टेयर्स पासिंग, तो यहाँ से तो हम लोग जा नहीं सकते, वहाँ पे कैमरे का भी साइन है। बट ये वाला जो रोड खुला है तो हम लोग इधर से जाएंगे। देखो यहाँ पे ना स्कूल भी होता था, यहाँ पे स्कूल क्रॉसिंग लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है अभी, यहाँ पर चारों तरफ में इन्होंने भैया इसके फिंस लगा दिए। तो यहाँ से है वो जो पूरा टाउन जो है ना स्टार्ट होता है। तो ये देख लो यार, ये लिखा हुआ है इन्होंने नो टेयर्स पासिंग, रोड क्लोज किया हुआ है। तो ये है रोड भी, देखो पूरा टूटा फूटा पड़ा है, कोई नहीं चलाता। यहाँ पर है इनका वाटर टैंक और ये कोई बिल्डिंग वगैरह है। अभी सूरज भी ढलने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ से ना ड्राइव करके जा रहे हैं स्लैब सीढ़ी में, जिसकी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ से मुश्किल से एक घंटे की ड्राइव है, तो हमारी कोशिश है रात होने से पहले पहले हम लोग वहाँ पहुँच जाएं। पहले तो हम लोग सोचे थे वहीं पर ही खाना बनाने को, बट फिर हम लोग यहाँ पे आगे एक घंटा ड्राइव करके ना सबवे पे। तो यहाँ से कल हम लोग निकलेंगे स्लैब सीढ़ी के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस, तो नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं स्लैब सीढ़ी के लिए, कहीं बीच में खाएंगे पियेंगे फिर आप लोगों को सीधा मिलते हैं स्लैब सीढ़ी में। तो आज हूँ मैं ऐसी सीढ़ी में जहाँ पे कोई लॉ नहीं चलता है, रूल्स नहीं चलते हैं, और जिसको बोला जाता है स्लैब सीढ़ी। और यहाँ पे लिखा हुआ है द लास्ट फ्री प्लेस। तो ये है ना अमेरिका का एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग आकर है ना फील करते हैं कि भैया हम लोग है ना फ्री हैं, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको जो करना होता है वो करते हैं। तो जैसे अभी ये देखो हम लोग अभी हम लोगों ने एंट्री की है यहाँ से। ये जैसे आप सामने देख रहे हो ना जिसका घर है, ये इन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी हुई। जो बंदा जितना उसको घर चाहिए ना उतने जमीन पे अपना है ना ऐसे फिंस बना देता है। तो देखो इन्होंने ना इतनी जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो अपने टायर रख दिए कि ये वहां से घर से लेके कि ये पूरी मेरी जमीन है चारों तरफ पे ना। जितने भी लोग है ना अपना घर बनाते हैं ना, तो जितनी भी वेस्टेज चीजें होती है, टूटी फूटी होती है, जैसे किसी का ये पुराना आरवी है, कैंपर है, ये इन्होंने किसी ने अपना फेंक दिया बिल्कुल टूट गया, तो उसको है ना यहाँ पे ले आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना तो बहुत गार्बेज भी पड़ा हुआ है ये जैसे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ना बहुत उल्टे सीधे काम भी होते हैं, चोरी भी बहुत होती है। अगर यहाँ पे जो लोग रात को आते हैं ना सोने के लिए, उनके साथ भी गलत काम हो जाते हैं। तो पहले मैं आया था, पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं रात को रुकूंगा, बट मेरा ना बिल्कुल मन नहीं गया ये एरिया देखने के बाद। लोगों ने ना जैसे यहाँ पे कब्जा किया हुआ है ना जमीनों पे, तो कई लोगों ने यहाँ पे बिजनेस भी खोल दिया उसी के ऊपर ही।
तो यहाँ पे भी आगे चल के मैं दिखाऊंगा। और अपना बिजनेस का जो प्रमोशन करते हैं ना, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बिल्डिंग बनाई हुई है, और ये यहाँ पे इन्होंने साइन वगैरह लिखे हुए हैं कि भैया यहाँ पे पार्टी हो रही है इस दिन। इधर लोगों के पास है ना, ना तो कोई पानी की सप्लाई है, ना ही कोई बिजली की सप्लाई है, बट ये लोगों के पास जमीन है, यहाँ पे आ जाते हैं और ये सोलर पैनल वगैरह लगा देते हैं, उसी से इनका सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। और कुछ लोग यहाँ पर हैं आर्टिस्ट, जो कि आर्ट बनाने के लिए आते हैं। मैं लास्ट टाइम एक लेडी से मिला था, उन्होंने कहा था कि वो पहले कहीं और रहती थी, फिर उनको इस प्लेस के बारे में पता चला कुछ 15-20 साल पहले, तो जब से वो यहाँ पे रह रही हैं और यहाँ पे ना वो बिजनेस चलाती हैं उनका। यहाँ पे उन्होंने एक आरवी कैंप बना दिया, बहुत उन्होंने जमीन पे कब्जा कर रखा है और उसके ऊपर है ना आरवी कैंप बना रखा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आरवी कैंप की तरफ। ये देखो सामने जो है स्लैब सिटी सूप किचन। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है। हाउ यू फाइंड दिस प्लेस लाइक हियर? वेल आई वाज टेकिंग अ वेकेशन फ्रॉम वर्क, यू नो, आई गॉट टायर्ड ऑफ, आई वर्कड फॉर अबाउट 8 इयर्स इन काइंड ऑफ अ हाई स्ट्रेस जॉब एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ बर्नड आउट अ लिटिल बिट, बट आई सोल्ड माय हाउस एंड मेबी आई हैड द 40 इयर्स, आई वाज अबाउट 40 इयर्स ओल्ड, यू नो, आई हैड द 40 ईयर इच एंड वांटेड टू मूव, यू नो, एंड लाइक द 7 इयर्स, सो एनीवे, सो आई बॉट दैट येलो बस देयर, And I moved my family into it, and we were just going to take a vacation. And but I liked living in the bus so much that I tried to figure out a way I could make a living on the road. And so I started selling solar panels to, you know, just to make a living, and not to get rich or anything, just to make a living. That's amazing. Yeah. You got so many RVs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. You are almost rich. I'm sure you are the richest guy in this slab city. No. I have time and I have friends, you know. That's good. Nice talking to you, sir. Thank you. ना तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक तो जैसे पानी है, पानी इनको खरीदना पड़ता है, तो कह रहे हैं कि जो एक गैलन जो पानी है ना वो $20 का यहाँ पे आता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उसके साथ में इन्होंने बोला है कि जो बिजली है हमें खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करनी पड़ती है सोलर पैनल से। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ना सीवरेज नहीं है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप लोग ये देखोगे ना, तो लोग है ना कहीं पे भी जाके टॉयलेट वगैरह कर देते हैं और फेंक देते हैं सामान वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे स्मेल आती है। जो भाई साहब मिले थे ना, वो था उनका घर, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे है ना लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो है ना फ्रीडम पाना चाहते हैं सब चीज़ों से, वो दुनिया के ये सब ड्रामों से परेशान हो चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब जैसे उन भाई साहब ने बताया, वो 1986 में आए थे, ऑलमोस्ट 37 साल पहले यहाँ पे। वो कह रहे थे मुझे इस तरीके से बस में रहना पसंद था, और मेरे को है ना अपनी जॉब वगैरह से बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि यार बहुत ड्रामा चल रहा है और लाइफ में है ना मतलब मजा नहीं आ रहा था, तो वो यहाँ पे आ गए। और जब से उनकी फैमिली वगैरह भी यहाँ पे रह रही है, उनके पास एक बस है जो कह रहे हैं अभी उन्होंने खरीदी है, और जिसमें वो ट्रेवल वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे को लास्ट टाइम मिले थे, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग वगैरह भी बिकती है। यहाँ पे आया था मैं लास्ट टाइम, इसको बोलते हैं ईस्ट जीसस। ये एक कोई आर्टिस्ट है जिसने ना पूरा जो प्लेस है ना इस तरीके से बनाया हुआ है कि आप अगर यहाँ पे अंदर जाओगे ना तो आपको हर चीज देखने में मजा आएगा। तो ये देखो, ये जो इन्होंने बाउंड्री वॉल भी बनाई हुई है ना, ये सब साइकिल के टायर से बनाए हुए हैं। जितनी भी साइकिल की चीजें होती है ना, सब वो चीजें यहाँ पे यूज की हुई है, ये देखो। बट ये इतना सारा पता नहीं सामान लेके कहाँ से आते हैं, कौन यहाँ पे छोड़ के जाता है। ये देखो कितने सारे हैं, टायर की तो इतनी मतलब भरमार है ना, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये इन्होंने पूरा बोतलों से आर्ट बनाई हुई है, बट जो मेन एंट्रेंस है ना यहाँ से चालू होता है। 10,000 आर्टिस्ट एंड दे कम इन हियर, दे क्रिएट आर्ट। सो 10,000 आर्टिस्ट मेड दिस, वाओ, दैट्स अमेजिंग। एंड यू आर वन ऑफ देम, राइट? आई एम स्मॉल, वेरी स्मॉल वन। ओह, आई एम फ्रॉम इंडिया, न्यू दिल्ली। Ah, okay. You know where Varanasi is, right? Yeah. Yeah, okay, yes. I live there. Oh, really? Yeah. Oh, nice. So you like India? Oh, yes. Oh, I spent COVID there. Okay. I spent COVID on the streets there. Mm-hmm. During the pandemic, what kept me alive was a man that I had met before lockdown. And every day during lockdown, he would bring me 2 sandwiches and 2 bottles of water. Nice talking to you. Thank you so much for sharing story. Yeah. I appreciate. तो ये था मेरे पीछे टेंट जहाँ पे वो भाई साहब बैठे हुए थे और उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने एक चीज बताई कि ये इंडिया गए थे 2019 के आसपास में वाराणसी में, और उसके बाद ये थोड़ा लंबे टाइम रुके हुए थे, इतने में आ गया कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस में ये इंडिया में फंस गए।
और इंडिया में फंसने के बाद इनको चांस था आने का वापस, बट गवर्नमेंट इनसे $2,000 मांग रही थी कि मतलब इंडिया में जितने भी फॉरनर्स थे ना उनको बोल रहे थे तुम अपनी कंट्री में जा सकते हो, $2,000 दे दो। तो इन्होंने बोला मैं $2,000 नहीं देना चाहता, इनको और भी इंडिया में रहने का मन था, तो इनको देखना था, इनको लगा शायद सब कुछ सही हो जाएगा, बट हुआ नहीं उस टाइम, वो डिफरेंट स्टोरी है। बट इन्होंने बताया, कह रहे कि स्टार्टिंग में जो कोरोना वायरस का टाइम था ना तो बहुत अच्छा लोग खाना आके दे देते थे, और ये ना एक मंदिर में जाके रुके हुए थे, मंदिर वालों ने इन्हें जगह दे दी थी, वहाँ पर बहुत खाना वाना आता था, तो ये कह रहे कि बड़ा खाते थे, कह रहे कि एक टाइम तक तो बहुत अच्छा खाना आ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे करके ना कम होने लगा, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो लोग घर से नहीं निकल रहे थे, शायद इनके वहाँ तक खाना पहुँच नहीं पा रहा था। जो इन्होंने स्टोरी बताई है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो इन्होंने बताया कि वहाँ पे ना एक रवि बंदा आया, रवि नाम का, जो भी है वाराणसी में रवि नाम का बंदा, अगर इनकी शक्ल देख के पहचान सकते हो तो बताना। उन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की, इन्होंने बताया 4 महीने तक रोज़ इनको पानी और खाना पीना सैंडविच वगैरह देके जाते थे रोज़। और उन्होंने बोला उनकी जॉब वगैरह भी चली गई थी तो उनको भी थोड़ी मुश्किल आ रही थी घर में उनके, बट इन्होंने बोला कि उन्होंने है ना हमें देना बंद नहीं किया खाना। यार ये स्टोरी सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब किस तरीके से एक अपने इंडियन बंदे ने एक फॉरनर की वहाँ पे इतनी ज़्यादा टेक केयर की कि इन्होंने बोला है कि अगर मैं अभी जिंदा हूँ ना तो सिर्फ रवि की वजह से जिंदा हूँ, अगर रवि मेरी टेक केयर नहीं करता तो मैं जिंदा नहीं होता। फिर इन्होंने बोला जब मैं वापस आ रहा था ना तो मेरे पास पैसे भी थे, बट ना उस टाइम मैं निकाल नहीं पा रहा था पैसे वगैरह, क्योंकि ATM वगैरह भी बंद हो गए थे, पैसे नहीं निकल रहे थे मेरे उससे कार्ड से, तो मैं अपने बैंक से भी कॉन्टैक्ट कर रहा था तो मेरा कार्ड फिक्स हुआ, फिर इन्होंने पैसे निकाले और फिर कह रहे कि रवि ने मेरी इतनी हेल्प की थी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो इन्होंने कहा मैं रवि को $10,000 दे के आया था आते समय, कह रहे मुझे उस टाइम पता नहीं था कि इस तरीके की कोरोना वायरस की इतनी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये है, और इन्होंने बताया कि ये जो पूरा प्लेस है ना यहाँ पे 10,000 आर्टिस्ट आए थे इस पूरे प्लेस को बनाने के लिए, और कह रहे जितना भी सामान है ना ये सारा सामान ऐसा है कि जो यहाँ पे एक लैंड फील्ड होती थी, लैंड फील्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे भी है ना कूड़ा आके फेंका जाता है, तो ये वो प्लेस होता था स्लैब सिटी, बहुत पहले एक लैंड फील्ड थी तो यहाँ पे आके कूड़ा पड़ा होता था, तभी इतनी सारी चीजें, अब मुझे समझ आया कि ये इतने टायर वगैरह आ कहाँ से रहे हैं। तो उसी कूड़े में से इन्होंने सामान निकाल के और भी जो इधर उधर से सामान थोड़ा बहुत कूड़ा टाइप का लेके आके इन्होंने ये पूरा एरिया बनाया। तो अलग अलग तरीके की आर्ट बनाई हुई है, जैसे अगर ये देखोगे ना तो शायद इधर से समझ ना आए बट इधर से आएगा, ये इन्होंने एक एलिफेंट बनाया हुआ है टायर से ना। ये इन्होंने बताया कि यहाँ पे है ना कोई इंडियन भी रहता है बंदा और इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है, तो जिस तरफ वो लगा हुआ है ना अभी हम लोग वहां जाते हैं और देखते हैं, अगर इंडियन बंदा वहां रह रहा है ना तो उससे मिलते हैं कि उससे पूछते हैं कि भैया उसको कैसा लगता है यहाँ पे रह के। भाई मेरे को बोल रहे थे कि ना संटी भाई यहीं रुक जा, तो मैंने भाई को ये गाड़ी दिखाई है, मैं बोला ये देख लो ये बंदा रात को यहाँ रुका होगा, इसके शीशे से तोड़ के और सारे टायर वायर ले गए। भाई रुकना है नहीं हालत देख लो गाड़ी की। तो ये एरिया है ना इसके बारे में ना विकिपीडिया में क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे पुलिस भी आती है, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी आती है, यहाँ पे स्कूल की बस भी आती है बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, और ये कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड है लैंड। हाँ तो ये जो भाई बोल रहे हैं ना ये ऑनलाइन लिखा हुआ है वेबसाइट्स पे काफी सारी, बट रियलिटी जो है ना अभी जो मुझे जनाब मिले थे ना मैंने उनसे पूछा कि ये जो है क्या गवर्नमेंट इस लैंड को वापस लेने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे लोग 40-40 साल से रहने लग रहे हैं और वो रहते ही रहेंगे, ये जो एरिया है ये ऐसे ही रहेगा, ये फ्री लैंड है और यहाँ पे कोई नहीं आता। तो जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो ऐसे बोल रहे हैं बट वेबसाइट्स पे कुछ और ही लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग आ गए हैं, ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो ना ये है यहाँ का होस्टल, मतलब आप लोग होटल लगा लो, बट इस होटल में ना यहाँ पे जब भी आके रुक सकते हो, जब आप अपना कैंपर लाओगे, जैसे अभी हम लोग लेके आए हुए हैं ना अपने कैंपर में आए हुए हैं, तो ये यहाँ पे आप लोग जैसे अलग अलग बंदे खड़े हुए हैं ना तो यहाँ पे आप अपना कैंपर खड़ा कर सकते हो। यहाँ पे एक लेडी है जिनसे मैं लास्ट टाइम मिला था, उन्होंने बोला था कि आप वीक में यहाँ पे खड़ा कर सकते हो, खाली $100 के आसपास देने पड़ेंगे और उसमें ये शावर प्रोवाइड करेंगी और किचन, खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा, खाना अपना खुद लाना पड़ेगा। और ये इनके टॉयलेट हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं, ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पे जिम बनाया हुआ है, ये है सामने किचन ये वाला, अभी वहां काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये बिल्डिंग है शावर, ये जो आप लोग देख रहे हैं, और सोलर पैनल लगे हुए हैं यहाँ पे भी। और ये जो लेडी यहाँ पे रहती है ना, मैं इनसे लास्ट टाइम मिला था तो मैंने इनसे भी पूछा था क्या आपने ये जो जमीन खरीदी हुई है आप इस तरीके का बिजनेस कर रहे हो, पूरा यहाँ पे हॉस्टल सा खोल दिया है आपने, तो कह रही कोई नहीं खरीदी हुई ये जमीन, मैंने जहां तक मेरे को चाहिए थी उतना मैंने अपना निशान बना दिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से मतलब लिख दिया कि भैया ये हॉस्टल है, यहाँ पे पानी प्रोवाइड करा देती हूँ और टॉयलेट है यहाँ पे नहाने के लिए और किचन। तो मैंने कहा ये तो काफी स्मार्ट मूव है और अभी काफी सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे।
तो ये जो स्लैब सीढ़ी है ना, इसकी जो शुरुआत है ना वो यहाँ से हुई थी। ये इन्होंने माउंटेन बनाया था जो कि पूरा पेंट करके, ये देखो ये इधर थाउजेंड ऑफ थाउजेंड गैलन पेंट यूज हो रखा है। ये इन्होंने पूरा एक पहाड़ सा बना रखा है मिट्टी का, और उसके ऊपर पेंट से ये टिका हुआ है। बहुत पहले एक आर्टिस्ट आया था, उसने ये चालू किया था। वो स्लैब सीढ़ी है ना इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, बट जब ये वाला बनाना सेल्वेशन माउंटेन, इसके बाद जो है स्लैब सीढ़ी है ना बहुत चर्चा में आ गई, बहुत सारे टूरिस्ट आने लग गए। जो कि लोग अभी भी देखोगे ना, देखो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, कितने टूरिस्ट आए हुए हैं। तो इस माउंटेन ने है ना इस स्लैब सीढ़ी को काफी ज्यादा फेमस कर दिया, और ये अमेरिका की न्यूज में हर जगह आने लगी। उसके बाद बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे आ गए। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।